बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9, इसका आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिफाइन करेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड जनरेशन कॉल्ड गैमेटोफाइट रेगुलरली अल्टरनेट्स विद स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड जनरेशन कॉल्ड एज स्पोरोफाइट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, बट जो ब्रायोफाइट जो कि हम इस अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, इनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट जो होती है वो डिपेंडेंट होती है अपॉन गैमेटोफाइट। बट बाकी सारे प्लांट जो है उनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होती है। ये पुअर प्लांट्स की एक निशानी है, समझे आपके गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। बट मुझे आपको पता है कि ये अर्लीस्ट प्लांट्स हैं तो इनमें डोमिनेंट थी। All the three subdivisions of bryophytes, hornworts, mosses, and liverworts have two multicellular generation in their life cycle. Yani sporophyte and gametophyte, they alternate with each other. Alternate से मतलब है sporophyte gametophyte को produce करती है और gametophyte sporophyte को. So gametophyte gametophyte को directly produce नहीं कर सकती और इसी तरह से sporophyte sporophyte को directly produce नहीं कर सकती. This diagram completely explain the alternation of generation in a simple way. For example, this is a haploid generation gametophyte. Gametophyte में दो किस्म की gametophyte इसमें जो है sex organ produce होते हैं, male sex organ जिसको हम जो है वो कहते हैं anthridium, और उसमें sperm या enterozoites produce होते हैं। इस तरह से female sex organ जिसको archegonia, उसमें egg या ओवम प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन होती है बाय द एड ऑफ वाटर। वाटर में स्पर्म जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं वाटर मीडियम में, एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर जायगोट इज फॉर्म, जायगोट इज डिप्लॉयड। यहाँ से स्पोरोफाइट शुरू हो जाती है। जब इसकी सेल डिवीजन शुरू होती है तो ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन प्रोड्यूस होती है। यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जनरेशन प्रोड्यूस हुई, और जो है स्पोरोफाइट इसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इसके जो है कैप्सूल वगैरह में, या आप कहें कि स्पोरेंजियम में मियोसिस। और स्पोर जब बिकॉज ये मियोसिस से प्रोड्यूस हुए तो हैप्लॉयड है, और इनकी जर्मिनेशन से मजीद अगेन गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एंथेरोजोइट्स एंड एग्स। These fuse to form diploid zygote which develop into a diploid sporophyte. Sporophyte is usually differentiated into foot, seta and capsule. जानते हैं आप कि जो bryophyte plants होते हैं इनमें मोसस, खासकर इनमें फोर्थ सीटा कैप्सूल पर मुश्तमिल होती है स्पोरोफाइट। इसके तीन पार्ट्स हैं। इनसाइड द कैप्सूल हैप्लॉयड स्पोर्स आर टू बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। दैट्स इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ ब्रायोफाइट प्लांट द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट विद ईच अदर। अब हमें इसकी सिग्निफिकेंस जो हमारा जहाँ पे जिसको हम असल में डिस्कस करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इट प्रमोट्स द सर्वाइवल वैल्यू ऑफ द प्लांट। सर्वाइवल वैल्यू कैसे? बिकॉज इसमें जब मियोसिस होती है तो स्पोर जो होते हैं वो वेरी जेनेटिक मेकअप के बनते हैं, और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने के काबिल होते हैं। उनमें यानी अपने पेरेंट प्लांट से जो है वो जेनेटिकली डिफरेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। दीज डिफरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट for their survival in new environmental condition. The spores produced by the sporophyte show genetic variability because these are produced by meiosis. Clear? Out of these spores, those with the better genetic makeup survive and develop into gametophyte. यानी जिनका जेनेटिक मेकअप पहले से भी, यानी इनके पेरेंट प्लांट से भी ज़्यादा अच्छा है किसी चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में, बिकॉज उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा अल्टरनेट हुआ है, चेंज हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। मसलन चेंज इन्वायरमेंट से मुराद है कि पोल्यूशन ज़्यादा आ गई है, सेलिनिटी आ गई है, हीट ज़्यादा आ गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है,
तो ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पानी की कमी है, पानी ज़्यादा हो गया, तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन से जो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। दिस गैमेटोफाइट सर्वाइव्स इन अ प्रीवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड प्रोड्यूस इन गैमेट्स बाय माइटोसिस। The zygote formed as a result of fertilization has a new genetic makeup as compared to the parent plant. This genetic variation is passed to the new sporophyte. When sporo अब देखें sporophyte तो produce हो गई, अब next फिर जब gametophyte produce होने फिर spores फिर meiosis तो again उसमें change आ जाएगी। When sporophyte produces spores by meiosis, variability यानी differences in case of genetic is produced once again and nature select the best genetic combinations to survive. In this way, the process of alternation of generation helps the plant to survive and adapt to different environmental conditions over a long period of time. This is a diagrammatic view, simple life cycle of bryophyte plant. इसमें आप sporophyte भी plant body भी देख रहे हैं और gametophyte plant body भी नजर आ रही है। This is the gametophyte plant body. Gametophyte plant body जो होती है उसमें दो किस्म के प्लांट जो होते हैं, वो मेल प्लांट अलग भी हो सकता है, फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट है, तो ये मेल प्लांट है, मेल प्लांट जो है वो उसके अंदर एंथीरिडियम प्रोड्यूस होता है, एंथीरियम से एंथीरोजोइट स्पर्म यानी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं माइटोसिस से। इस फीमेल प्लांट से जो प्रोड्यूस होता है वो उसके आर्जिगोनियम में एग होता है, स्पर्म वाटर मीडिया से मूव करके आर्जिगोनियम तक पहुँचते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। एग की फर्टिलाइजेशन से जायगोट प्रोड्यूस होता है जो कि गैमेटोफाइट प्लांट ही उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये जायगोट जो है वो ये मजीद डेवलपमेंट जब इसकी होगी तो ये ब्राउन कलर में जो आपको इसमें ग्रीन नजर आ रहा है पौधे का एरिया, ये स्पोरोफाइट है और जो इसका ग्रीन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। बिकॉज गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है और ये खुद अपनी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज नॉन फोटोसिंथेटिक। अब देखें इसमें कैप्सूल के अंदर जो इसे कैप्सूल कह लेंगे स्पोरेंजियम कह लेंगे, इसके अंदर मियोसिस होती है और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बहुत सारे जो स्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं बिकॉज ये मियोसिस से प्रोड्यूस है और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो होती है मेन जो है वो उसमें मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जो कि उसमें जरूरी होता है। इस प्रोसेस में डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के बहुत से स्पोर्स प्रोड्यूस। अब इन स्पोर्स में अपने पेरेंट प्लांट्स के मुकाबले में चेंजेस आ गई हैं, आप समझे, ऐसी चेंजेस जो न्यू या चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में इनको सर्वाइव करने में मदद देंगे और जब जैसे इनकी जो इनमें से बेस्ट बेहतर तरीके से किसी न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे और बाकी डेथ भी हो सकती है। सो फिर जब स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगी फिर मियोसिस अगेन, यानी हर लाइफ साइकिल में मियोसिस की वजह से स्पोर्स जो होते हैं वो वेरिएबल प्रोड्यूस होते हैं और उनमें वेरिएबल जेनेटिक मेकअप होता है जिससे वो न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन बेहतर तरीके से सर्वाइव करते हैं। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है, यानी हम भी अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग एनिमल्स पे आए तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दीज आर नॉट 100% इक्वल टू योर पेरेंट्स मदर एंड फादर बिकॉज सम ऑफ देयर सम ऑफ द कैरेक्टर दे आर सिमिलर बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर दे आर चेंज्ड। अब वो जो चेंज कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब उनमें जो है वो चेंजेस आने की वजह से वो हो सकता है जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो स्ट्रेस एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं ज़्यादा मतलब हीट है, ज़्यादा वाटर कंडीशन है या टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स।